हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीबीसी। दिस इज अवर सेकेंड इंट्रोडक्टरी वीडियो। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट विस्कोसिटी। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विस्कोसिटी की। विस्कोसिटी किस वजह से होती है, इफेक्ट्स कौन कौन से पैरामीटर पे विस्कोसिटी के ऊपर किस किस पैरामीटर्स का इफेक्ट होता है, फॉर्मूला किस तरीके से जनरेट होता है। जैसे विस्कोसिटी की, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी की बात करूंगा तो उस केस में फॉर्मूला कैसे बनेगा, और कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। सो विस्कोसिटी को पढ़ने से पहले हम लोग दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज एडहेशन एंड सेकंड वन इज कोहेशन। सो एक्चुअली एडहेशन और कोहेशन की बात करूंगा, तो कोहेशन का मतलब होता है कि जब सेम टाइप के सब्सटेंस के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन होती है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज कोहेशन। तो कोहेशन के अंदर हमारा क्या होगा, अगर मेरे पास, जैसे मैं डायग्राम में देखूंगा तो मेरे पास दो वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं, तो दोनों वाटर के ड्रॉपलेट्स के बीच में जो अपनी क्या होगी, अट्रैक्शन फोर्स होगी, उस अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कोहेशन। और एडहेशन के केस में क्या होगा कि मेरे पास जो सब्सटेंसेस होंगे वो डिफरेंट होंगे। अगर मैं बात करूं, मेरे पास वाटर है, तो वाटर को अगर मैं सरफेस पे फेंकता हूं तो वाटर और सरफेस के बीच में जो फोर्स लग रही है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज एडहेशन। और एक कॉन्सेप्ट को हमेशा दिमाग में रखना है कि अगर कोहेसिव फोर्सेस जो हैं ग्रेटर देन है एडहेसिव फोर्सेस, इस केस में जो हमारा एक्चुअली में क्या होगा, वेट जोन नहीं बनेगा, नो वेट जोन कंडीशन आ जाएगी। और अगर मेरी एडहेशन फोर्सेस ज्यादा हैं कोहेसिव से, सो इस केस में मेरा वेट जोन होगा। ठीक है, सो कोहेशन और एडहेशन के बीच की एक चीज समझना जरूरी है कि कोहेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ड्रॉप्स की फॉर्मेशन में और सरफेस टेंशन में बहुत बड़ा इफेक्ट करता है। और एडहेशन एक्चुअली में क्या करता है, एबिलिटी ऑफ लिक्विड टू वेट सरफेसेस और कैपिलरी एक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं बात करता हूँ विस्कोसिटी की। तो विस्कोसिटी इज एक्चुअली द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द मोशन। सो एक्चुअली व्हाट इज विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का मतलब होता है कि जो हम लोग कोई भी फ्लूड फ्लो कर रहा है उसमें जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगा फ्लो ऑफ फ्लूड को, उसको क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। तो अगर मैं डायग्राम में देखूं, इस एनिमेशन में देखूं, तो एक साइड वाटर है और एक साइड एक पर्टिकुलर ऑयल है, जहाँ हनी हो सकता है। तो इस केस में क्या है कि इजिली क्या है, वाटर क्या है, इजिली फ्लो कर रहा है, और हनी क्या है, थिक क्या है और क्या कर रहा है, स्लो फ्लो कर रहा है। तो इस केस में देखा जाए तो इस चीज की जो विस्कोसिटी होगी वो ज्यादा होगी। अगर मैं हनी की बात करूंगा तो हनी की विस्कोसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू विस्कोसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, सो एक्चुअली फ्लूडिटी क्या होती है, विस्कोसिटी की बिल्कुल ऑपोजिट होती है। तो जितना इजिली फ्लो कर जाएगा उतनी कम उसकी विस्कोसिटी होगी। सो बेसिकली विस्कोसिटी इज जस्ट ड्यू टू इंटरमोलिक्यूलर फ्रिक्शन एंड एडहेशन एंड कोहेशन। सो बेसिकली जब मैं बात करूंगा तो कोहेशन, एडहेशन और इंटरमोलिक्यूलर फ्रिक्शन जो हो रही होगी मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसके ऊपर इफेक्ट करेगा। और न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी की बात करूंगा तो शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। तो फॉर्मूला जनरेट होता है न्यूटन के हिसाब से, तो उसका था टाउ इज इक्वल्स टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, वेयर टाउ इज इक्वल्स टू कॉल्ड एज द शियर स्ट्रेस, म्यू इज द डायनेमिक विस्कोसिटी एंड डी यू बाई डी वाई इज द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। आगे हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि किस तरीके से रेट ऑफ शियर स्ट्रेन और स्ट्रेस क्या करते हैं, इफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट अपना आगे, अगर मैं विस्कोसिटी के एनिमेशन की बात करूं, जब फॉर्मूला जनरेट करने की, तो उसमें सबसे पहले मैं समझूंगा कि एक्चुअली विस्कोसिटी होता क्या है। सो मेरे पास एक पर्टिकुलर फ्लो है स्ट्रीम लाइन का, उसमें से मैंने क्या करे, एन नंबर ऑफ कंपोनेंट काट लिए, छोटे छोटे एलिमेंट्स डी एक्स डी डीएक्स, एंड एक्चुअली फ्रॉम हियर टू हियर इट इज कॉल्ड एज वाई। स्मॉल स्मॉल एलिमेंट की अगर मैं बात करूंगा तो डीएक्स डीएक्स काट देता हूँ स्मॉल एलिमेंट, और वाई टोटल हाइट है, और वी इज एक्चुअली द वेलोसिटी ऑफ द लेयर। तो अगर मैं इस चीज को क्या करूंगा, अब पानी फ्लो कर रहा है तो टॉप की लेयर होगी वो क्या करेगी, फ्लो करने की कोशिश करेगी, लेकिन दोनों के बीच में क्या होगा, रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया, अगर मैं इसको चलाता हूं तो इसमें देखेंगे कि जो टॉप की लेयर होगी वो सबसे आगे जा चुकी है। अगर मैं इसको अगर चेक करूं तो टॉप की लेयर आगे जा चुकी है ड्यू टू वेलोसिटी, और अगर मैं इस पे बनाऊं तो हाइट अपनी डी वाई आ गई, और ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ डेट इज एक्चुअली ड्यू टू वेलोसिटी।
और अगर मुझे देखना आप शियर स्ट्रेस किसके हिसाब से वेरी करेगी, तो शियर स्ट्रेस किस पे बात करें, कितनी डिफॉर्मेशन हुई है। सो एक्चुअली लेट अस टेक दैट थीटा इज द डिफॉर्मेशन, सो थीटा विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज इक्वल्स टू, व्हाट इज द परपेंडिकुलर, इट इज DUY DY। और अगर मैं बात करूंगा शियर स्ट्रेस की, शियर स्ट्रेस क्यों जनरेट होती है कि जब भी हमारा क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा किसके बीच में, दो लेयर्स के बीच में। अगर मैं बात करूं ये शो कर रहा प्रोफाइल इसकी विस्कोसिटी की, अगर मैं बात करूंगा इन दो लेयर्स के बीच में, तो इनके बीच में क्या होगा, इसकी वेलोसिटी हाई है एज कम्पेयर टू दिस वन, तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो रिलेटिव मोशन की वजह से इनके बीच में क्या होगा, शियर स्ट्रेन स्टार्ट हो जाएगी, और सॉरी शियर स्ट्रेस। सो एक्चुअली क्या होगा कि कोहेसिव फोर्सेस क्या करेंगी, लिक्विड को एकदम टाइटली होल्ड करके रखना चाहती हैं, लेकिन लेयर बाय लेयर उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑपोजिट नेचर की शियर स्ट्रेस जनरेट हो जाएगी। तो शियर स्ट्रेस जो होगी जनरेटर, वो डिपेंड करेगी किस पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। और अगर मैं जूम करूंगा, तो इन दोनों लेयर्स के बीच में क्या होगा, मेरा दोनों लेयर्स के बीच में क्या होगा, रिलेटिव मोशन। डन। सो बेसिकली इफ वी आर गोइंग टू लुक आफ्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी लिमिट एंड डायनेमिक विस्कोसिटी, उस केस में अगर मैं बोलता हूँ रेट ऑफ शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन, तो एक्चुअली जो मेरी लाइन होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी, और उसका जो स्लोप होगा वो बिल्कुल क्या होगा, 45 डिग्रीज पे। ठीक है। सो इस केस में अगर टाओ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DUY DY है, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DUY DY है, तो अगर मैं हल्की सी शियर स्ट्रेस लगाऊंगा उसी हिसाब से रेट ऑफ डिफॉर्मेशन होना चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं डिफरेंट लिक्विड्स की, तो इसको एनालाइज करने के बाद पता चला कि हम लोग अगर जो रेट ऑफ शियर स्ट्रेस जो लगा रहे हैं उसके हिसाब से शियर रेट ऑफ शियर स्ट्रेन इफेक्ट हो रहा है, लेकिन हर लिक्विड के लिए सेम नहीं होता। अगर मैं बात करूं डिफरेंट लिक्विड्स की बात करूं, जैसे हनी है, मेपल सिरप है, कॉर्न सिरप है, और डिश सोप है, तो इन सब की जो फ्लो है वो अलग अलग है, तो हर एक लिक्विड के लिए सेम नहीं हो सकता। सो इस चीज को अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी लिमिट को हटाता हूं, तो मेरे पास एक क्या आता है, फैक्टर उठ के आता है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज डायनामिक विस्कोसिटी विच इज इक्वल्स टू DUY DY। अब अगर मैं बात करूंगा तो म्यू इक्वल्स टू क्या होता है अपना, शियर स्ट्रेस डिवाइड बाय DUY DY। एक्चुअली म्यू क्या डिफाइन करता है, स्लोप। सो अगर मेरी रेट ऑफ शियर स्ट्रेन की मैं बनाऊंगा, सो देयर विल बी वेरिएशन ऑफ स्लोप्स फॉर डिफरेंट लिक्विड्स, सो इट मीन्स दैट दिस विल बी हैविंग म्यू वन स्लोप, इसका क्या होगा म्यू टू हो जाएगा, और इसका स्लोप क्या है, म्यू थ्री। सो अगर मैं इसमें देखूं सबसे हाई विस्कोसिटी और सबसे लो विस्कोसिटी, तो जितना ज्यादा स्लोप ऊपर की तरफ होगा उसकी विस्कोसिटी हाई होगी, सो इट मीन्स दैट म्यू थ्री इज ग्रेटर देन म्यू टू विच इज ग्रेटर देन म्यू वन। ओके। सो विस्कोसिटी किस पे डिपेंड करेगी, जितना ज्यादा आपका क्या होगा वर्टिकल एक्सिस की तरफ लाइन होगा उतनी ज्यादा विस्कोसिटी ज्यादा होगी। और अगर मैं स्लोप की बात करूं म्यू फोर, सो म्यू फोर विल बी हैविंग हाई विस्कोसिटी एज कंपेयर टू द अदर्स। आई थिंक ये चीज समझ आ गई होगी आपको। नेक्स्ट है अपने पास, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DUY DY। सो आफ्टर टेकिंग आउट दैट प्रोपोर्शनलिटी लिमिट वी विल बी हैविंग टाउ इज इक्वल टू म्यू DUY DY। तो इसमें होता क्या है कि अगर मैं डायरेक्टली इस लिमिट को लेकर चल रहा हूँ, ये सब मटेरियल के लिए हमेशा सेम हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर मैं एक वो ले लूँ इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, मैं एक टेबल ले लूँ, उसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट और हनी को रख दूँ, तो इसमें से सबसे पहले फ्लू के नीचे पानी आएगा और हनी उसके बाद में आएगा। तो इसका मतलब है दोनों के बीच में कोई तो ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो रुक रहे हैं। अगर दोनों का बिल्कुल बराबर होगा, दोनों की शियर स्ट्रेस और अपनी शियर स्ट्रेन सेम होती, तो उस केस में क्या करते, दोनों सेम टाइम पे नीचे आते। अब म्यू क्या डिफाइन करता है, हर मटेरियल के लिए जो रेजिस्टेंस ऑफर है डेट इज एक्चुअली कॉल्ड एज विस्कोसिटी। सो म्यू का मतलब क्या है कि विस्कोसिटी होगी, कोई ऐसी फोर्स है जो क्या कर रही है, उनको रजिस्ट कर रही है मोशन को, डेट इज एक्चुअली कॉल्ड एज विस्कोसिटी। तो डेफिनेशन के हिसाब से यहां पे अब हमें समझ में आ गया, एक्चुअली विस्कोसिटी
इज द रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइड, इट मींस दैट देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ फोर्स व्हिच इज रेजिस्टिंग द फ्लो ऑफ द फ्लूइड, इट इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी। आई थिंक ये समझ आ गया होगा। सो विस्कोसिटी बाय लुकिंग एट द फॉर्मूला वी कैन डायरेक्टली सी दैट विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेस, विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेयर हाइट एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। सो स्पीड के इसलिए इन्वर्सली पोर्शन है, जितनी स्पीड में वो जाएगा उस केस में क्या होगा, हमारी विस्कोसिटी कम होगी। और यूनिट्स की बात करूंगा तो म्यू इज इक्वल टू टाओ, दिस इज एक्चुअली टाओ इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ओके, एंड डी यू बाई डी वाई इज द इन मीटर। सो फोर्स पर यूनिट एरिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इन टू डी यू, डी यू इज इन मीटर, सॉरी मीटर पर सेकेंड, and dy is in meter. So from here we can directly find that it is equals to newton second per meter square or kg per meter second. तो यहां तक विस्कोसिटी में हम लोगों ने अब तक पढ़ा है कि विस्कोसिटी होती क्या है, बनती कैसे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिमिट को हटाने के बाद हमें म्यू फैक्टर क्यों मिला, और म्यू एक्चुअली क्या डिफाइन करता है। तो म्यू डिफाइन करता है रेजिस्टेंस कितना है उस पर्टिकुलर कंपाउंड का फ्लो में। जितना ज्यादा म्यू की वैल्यू हाई होगी उतना ही वो कंपाउंड या पर्टिकुलर सब्सटेंस या फ्लूड क्या करेगा, उतना स्लो मूव करेगा। सो बेसिकली विस्कोसिटी की क्लासिफिकेशन की बात करूंगा तो विस्कोसिटी एक्चुअली इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज डायनेमिक विस्कोसिटी एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज काइनेमेटिक विस्कोसिटी। सो जो हमने अभी तक डिस्कस करा है उसमें हमने डायनेमिक विस्कोसिटी पढ़ी है। सो डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू इज डिफाइंड एज द शेयर स्ट्रेस रिक्वायर्ड कॉजिंग यूनिट रेट ऑफ स्ट्रेन, ठीक है, यूनिट रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन। सो इट इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू टाओ शेयर स्ट्रेस डी वाई बाई डी यू। सो इसके यूनिट्स की बात करूंगा तो यूनिट्स में हम लोग अगर टाओ की वैल्यू रखें तो इसमें मैट्रिक सिस्टम में हम लोग यूज करते हैं डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, विच इज कॉल्ड एज पॉइज, और एट पॉइज इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड, और सेंटीपॉइज को हम लोग क्या करके रखते हैं 1/100 पॉइंट। और वहीं मैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात करूंगा तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी में हम लोग क्या करते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी को डिवाइड कर देते हैं रो से, विच इज एक्चुअली कॉल्ड एज मास डेंसिटी। सो रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट क्या हो जाएंगे इसके, केजी पर मीटर क्यूब। आगे की वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे कि एक्चुअली डेंसिटी कैसे इफेक्ट करती है फ्लो को। सो बेसिकली काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू इज इक्वल्स टू द रेशियो बिटवीन डायनेमिक विस्कोसिटी एंड मास डेंसिटी, इट इज इक्वल्स टू द रेशियो बिटवीन म्यू एंड रो। सो द रेशियो म्यू बाय रो हैज गिवन द लेवल काइनेमेटिक, बिकॉज हम जब भी क्या करते हैं काइनेमेटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं तो हम किस वजह से कॉज हो रहा है उसको कंसीडर नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ देखते हैं कितना लेंथ और टाइम है। सो द यूनिट्स आर इन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज स्टोक्स फॉर काइनेमेटिक विस्कोसिटी। सो 1 स्टोक इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, विच इज इक्वल टू 10^-4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और 1 सेंटीस्टोक की बात करूंगा, डेट इज इक्वल टू 1/100 स्टोक्स, ठीक है। ये कुछ कंपैरिजन है विस्कोसिटी की। अगर मैं बात करूं तो इन पहली वाली डायग्राम में देखेंगे कि हमारे जो बॉल्स हैं उसमें सबसे पहले ये आ रहा है, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो जितना स्लो आएगा उसका मतलब है उसकी विस्कोसिटी उतनी ज्यादा। अगर म्यू 4 कर रहे हैं, म्यू 3 कर रहे हैं, म्यू 2 कर रहे हैं, म्यू 1 कर रहे हैं, सो इट मीन्स दैट म्यू 4 इज विल बी हैव हायर विस्कोसिटी एज कम्पेयर टू 3, एंड इट विल बी हैविंग हायर विस्कोसिटी देन 2, एंड इट विल बी हैविंग हायर विस्कोसिटी देन 1। सेम हमने हनी सिरप, मेपल सिरप और कॉर्न सिरप की बात करी थी, तो इसमें भी हमारा विस्कोसिटी के बाद इफेक्ट करेगा। और विस्कोसिटी की जितनी लो विस्कोसिटी होगी उतना ज्यादा फ्लो होगा, और जितनी हाई विस्कोसिटी होगी उतना ही कम फ्लो होगा। अगर मैं वाटर को और हनी को एक पाइप के थ्रू फ्लो कराऊंगा तो फ्लो ऑफ वाटर इज मोर एज कंपेयर टू हनी, ओके। So thank you. This is a short video, so we will discuss one more important topics later. Thank you for the